हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का इंग्लिश का एक प्ले और नाम है उसका इफ आई वर यू। वैसे तो अंग्रेजी ना आधे लोगों को पहले ही समझ में नहीं आती, ऊपर से जब नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो तो क्या समझ में आएगा। बचपन से हमें पढ़ाते आ गए कि आई के साथ वॉज लगाना है। आई वॉज क्राइंग, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ड्रिंकिंग, और खुद नाम में लगा रहे आई वर। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा क्यों करते हैं। ये जो नाम है ना इफ आई वर यू, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर मैं तुम होता तो ऐसी जब कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम्हें काम पड़े, मान लो तुम्हें अगर ये बोलना है अगर मैं टॉपर होता तो तुम क्या बोलोगे? इफ आई वर अ टॉपर। अगर मुझे बोलना है कि अगर मैं मिस इंडिया होती तो मैं क्या बोलूंगी? इफ आई वर मिस इंडिया। अब खैर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कुछ कर नहीं सकते। चलो शुरू करते हैं, प्ले के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये जो प्ले है ना इसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है जेरार्ड और दूसरे का नाम पता ही नहीं है। वो एक क्रिमिनल है, पूरे प्ले में उसको इंट्रूडर बोला गया है। इंट्रूडर बोले तो घुसपैठिया, जो कभी भी ना कहीं भी बिना परमिशन के घुस जाता है, उसको कहते हैं इंट्रूडर। इस प्ले को लिखने वाले भाई साहब का नाम है डगलस जेम्स और इनको प्यार से ना लोग जिम कहते हैं। प्ले में ओवरऑल पता है क्या होता है, ये जो इंट्रूडर है ना ये जेराल्ड के घर में आ जाता है रिवॉल्वर हाथ में लेके। उसका प्लान ये होता है कि वो जेराल्ड का मर्डर कर दे और उसकी आइडेंटिटी खुद ले ले, मतलब इंट्रूडर क्या बन जाए? जेराल्ड। अब देखते हैं कि क्या वो ऐसा कर पाता है, और अगर नहीं तो आखिर फाइनली उस प्ले में होता क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैं तुम्हें बता दूं ये जेराल्ड के बारे में। जेराल्ड जो है ना वो एक दूर किसी सुनसान प्लेस में रहता है, कॉटेज होता है और कॉटेज भी उसका लूनली टाइप का ही होता है। अब इसके कॉटेज में ना एक दरवाजा है पीछे की तरफ और हो सकता है कि उस पर पर्दे डले, और जो प्रैक्टिकल डोर है, प्रैक्टिकल मतलब जो दिख रहा है कि दरवाजा है, वो लेफ्ट की तरफ है। वहाँ एक दीवान भी रखा हुआ है और एक सिंपल सा फर्नीचर है। दीवान तो तुम्हें पता ही होगा, ऐसा बेड जिसमें पता नहीं मम्मियाँ क्या क्या संभाल संभाल के रखती हैं, गादी तकिए बिस्तर ये वो, उसी को ही दीवान कहते हैं। अब इस कॉटेज में लेफ्ट की तरफ ना एक छोटी सी टेबल रखी हुई है और एक या दो चेयर्स हैं, और उस टेबल पे रखा एक फोन। जैसे पर्दा उठता है ना जेराल्ड भाई साहब खड़े होते हैं टेबल की साइड पे और वो किसी से फोन पे बतिया रहे होते हैं। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जेराल्ड कैसा दिखता है। मीडियम हाइटेड पर्सन है और उसकी आवाज ना सोफिस्टिकेटेड है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, कल्चर्ड मतलब उनको तौर तरीके तमीज सब पता है। तुम भी बनो थोड़े ऐसे। और ये जो भाई साहब है ना इन्होंने एक लॉन्ग सूट पहन रखा है और हॉर्न रिम्ड ग्लासेस लगा रखे हैं। अब ये जिससे फोन पे बात कर रहे हैं, बातें सुन के ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल कह रहा है। ये कहते हैं कि हाँ उससे बोलो कि डायरेक्टली मुझसे बात कर ले, मुझे लगता है मैं अभी यहीं रहूँगा, खैर तुम छोड़ो और गुड बाय। अब बताओ ये भी कोई बात है? इंडिया में अगर कोई किसी से बात करता है ना पहले ही पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा होगा और इधर से क्या रिप्लाई आ रहा होगा। ये अंग्रेज भी ना बहुत इनडायरेक्ट बातें करते हैं। ख्याल छोड़ो अपने को क्या करना। जैसे ही उसने फोन रखा वो मुड़ा उधर दीवान की तरफ, वहाँ पे ना ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ था और वो उसमें कुछ पैक करने लग गया। अब जब वो पैक कर रहा था तो टेबल की साइड से एक पर्सन आया चुपचाप, उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसका बिल्टअप ना बिल्कुल जेराल्ड जैसे ही था, देख के ऐसा लग रहा था कि एकदम जेराल्ड कोई जुड़वा भाई तो नहीं है, पर खैर वो जुड़वा भाई नहीं था। वो कौन था पता है? इंट्रूडर। वो आया और वो ना गलती से टेबल से टकरा गया। अब जो आवाज आई उसके कारण जेराल्ड ने मुड़ के देखा और वो बोलता है अरे व्हाट अ सरप्राइज, आप कौन है मिस्टर? ये जो इंट्रूडर भाई साहब है ना इन्होंने ओवर कोट पहन रखा है और एक हैट लगा रखी है। इनको देखते ही ना जेराल्ड बड़े प्लेजेंटली बोलता है और इंट्रूडर कहता है आई एम ग्लैड कि तुम खुश हो रहे हो, पर ये जो तुम्हारी खुशी है ना ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। और वैसे भी जब कोई बंदा ऐसे घुसे हाथ में रिवॉल्वर लेके तो खुश होने का तो कोई रीज़न वैसे भी नहीं बनता। इंट्रूडर जो है ना वो जेराल्ड को बोलता है हैंड्स अप, हाथ ऊपर रखो। हैंड्स अप नहीं बोलता है, वहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है पॉज, उसका मतलब यही होता है कि हाथ ऊपर बिना हिले डुले चुपचाप
शराफत से। वैसे ये तो तुमने बहुत बार देखा होगा, पुलिस वाले के हाथ में गन, चोर की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है हैंड्स अप, बिल्कुल मत हिलना। कभी सोचा ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा इसलिए, पता चले हाथ हिलाने डुलाने के चक्कर में चोर ने कहीं से गन या कोई हथियार निकाल लिया और पुलिस वाले को ही पेल दिया, तो क्या कर लेगा वो? इसलिए वो पहले ही हैंड्स अप करवा लेते हैं। खैर, ये चोर पुलिस छोड़ो और आ जाओ इंट्रूडर और जेराड की कहानी पे। जेराड बोलता है ये कुछ ज्यादा मेलोड्रामेटिक नहीं हो गया? मेलोड्रामेटिक मतलब थोड़ा ओवर नहीं हो गया क्या है ये? अच्छा भला मैं अपना सामान पैक कर रहा था, कोई भी आ गया हाथ में गन लेके और मुझे बोल रहा है हैंड्स अप। इंट्रूडर बोलता है ट्राइंग टू काम डाउन, और वो कहीं अटक जाता है। जेराड कहता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद तुम बोलना चाह रहे थे नॉनचलेंट। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये अंग्रेजी का ही शब्द है और इसका मतलब होता है काम, रिलैक्स्ड। तो वो ना अटक गया था बोलते बोलते और इसको हेल्प कौन कर रहा है? जेराड। अब तुम सोचो, जेराड के घर में इंट्रूडर घुसा है रिवॉल्वर लेके और इन भाई साहब को तो पता ही नहीं पड़ रहा, मजे से बातें किए जा रहे हैं। इंट्रूडर बोलता है थैंक्स, पर अब ज्यादा ना स्मार्ट मत बनो, अभी मैं तुम्हें ना घुटनों के बल चलाऊंगा, आई विल मेक यू क्रॉल। बस उसके पहले ना मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता करनी है, तो चुपचाप उनके आंसर्स दो, स्मार्टनेस तो बिल्कुल भी मत दिखाना। जेराड बोलता है एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, कुछ भी पूछो मुझे सब पता है, पर ना आंसर्स देने के पहले मुझे अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है। तुम तो बड़े मजे से खड़े हो, तुम्हारी पोजीशन तो कंफर्टेबल है, पर मुझे तो आराम से बैठ जाने दो। इंट्रूडर बोलता है हाँ, ज्यादा ना फनी बातें मत करो, वहीं बैठ जाओ चुपचाप। जेराड अपनी पोजीशन चेंज करने के बाद बोलता है कि चलो फाइनली सिंपैथेटिकली तुम मेरी बात सुनोगे। अच्छा तो मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं छोटा था ना तो मुझे जिप्सीज ने ना किडनैप कर लिया था, मुझे चुरा लिया था। जिप्सीज तो तुम्हें पता ही है कौन होते हैं, ऐसे लोग जिनका ना कोई घर बार नहीं होता, इधर से उधर भटकते रहते हैं। इंट्रूडर बोलता है तुम ना बकवास बंद करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी स्टोरी में, तुम अपनी कहानी अपने पास ही रखो। अब इंट्रूडर बोलता है यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू? अब उसकी बात सुन के ना ये जेराड को समझ नहीं आया कि वो पूछ रहा है या बता रहा है। वैसे ऐसा ना कई बार होता है, मम्मी जब बोलती है तुम खेलने नहीं जाओगे, समझ ही नहीं आता पूछ रही है या बता रही है, ये डिपेंड करता है मम्मी के मूड पे। खैर मम्मी की बात छोड़ो, आ जाओ जेराड की बात पे। जेराड को ना इंट्रूडर के बोलने के तरीके से समझ ही नहीं आया कि वो क्वेश्चन था ये एक स्टेटमेंट था, और ये जो एक पर्टिकुलर एक्सेंट होता है ना इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन। अब इंट्रूडर ना थोड़ा अपनी बात में एम्फेसिस डालता है और बोलता है डू यू लिव हियर अलोन? अब इंट्रूडर ना साफ साफ क्वेश्चन वाली टोन में ही पूछता है। इस बात का जवाब तुम्हें पता है जेराड क्या देता है? भाई ना बहुत स्मार्ट है, क्या बोलता है पता है? अगर मैं आंसर न दूं तो? सोचो अगर और कोई होता ना उसके हाथ पैर कांपने लग जाते और पेंट। छोड़ो अपने को क्या करना, सूखी गीली कैसी भी हो, पर तुम खुद सोचो, एक आदमी घर में अकेला पैकिंग कर रहा था कहीं जाने की, और ऊपर से रहता भी कहाँ है सुनसान सी जगह में, वहाँ एक आदमी आ जाता है रिवॉल्वर लेके, फिर भी भाई उसको देख के ये बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब न दूं तो? ओह सॉरी, जवाबों के सवाल न दूं तो? सोचो मुझे सिचुएशन इमेजिन करके इतना डर लग रहा है, उसकी क्या हालत हो रही होगी। अब ये जेराड की बातें सुन के ना इंट्रूडर का दिमाग खराब होता है, वो बोलता है कि इतनी अकल तो तुम में होगी कि तुम अपने आप को हर्ट तो नहीं करवाना चाहोगे? ऐसा क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि उसके हाथ में क्या है? गन। एक बटन दबाया और जेराड भाई साहब सीधे ऊपर। पर सुनो, ये जो जेराड है ना ये जानबूझ के इसको बातों में उलझा रहा है। अब इस बात के जवाब में जेराड भाई साहब क्या रिप्लाई देते हैं पता है? वो कहते हैं कि गुड सेंस तो वो होगा जब पेन को अवॉइड करने की सिर्फ इच्छा ना हो एबिलिटी भी हो, मतलब एक इच्छा होना और दूसरा उस चीज को कर पाना, ज्यादा अच्छा क्या है उस चीज को कर पाना। अभी जो दोनों ही है ना एक के बाद एक
उधर से एक क्वेश्चन आता है, इधर से एक स्मार्ट सा आंसर आता है। फिर इंट्रूडर उसको बोलता है कि देख भाई, तू ना इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। तो इनका ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये चलता ही रहता है। और जेरार्ड जब ये बोलता है ना, तो वो उससे पूछता है, हाँ तो आपको क्या लगता है मिस्टर, और अब उसको नाम तो पता नहीं है, कहीं ना कहीं से जेरार्ड ना बातों बातों में इंट्रूडर का नाम निकलवाना चाहता है। जब जेरार्ड इंट्रूडर से उसका नाम निकलवाने की कोशिश करता है ना, तो इंट्रूडर बोलता है, देख भाई मेरे नाम के बारे में ना ज्यादा चिंता मत कर, वैसे भी आई लाइक योर्स बेटर, मुझे ना तेरा नाम ज्यादा पसंद है। और वो उसको पूछता है, बाय द वे व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम। जो क्रिश्चियन नेम होता है ना, ये फर्स्ट नेम होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको चर्च में ले जाके क्रिश्चियन लोग उसका नामकरण करवाते हैं। जेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स, मतलब उसका असली नाम है विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर जेरार्ड को पूछता है, डू यू हैव अ कार, कार है तुम्हारे पास? जेरार्ड बोलता है नो। इंट्रूडर बोलता है, मुझे ना बेवकूफ मत समझो, मुझे पता है तुम्हारे पास कार है, बी केयरफुल, मतलब जो जो मैं पूछ रहा हूँ ना सच सच जवाब देते जाना, समझे बेटा? जेरार्ड इंट्रूडर को बोलता है, आर यू एन अमेरिकन या सिर्फ अमेरिकन जैसा एक्सेंट कॉपी कर लिया है? इंट्रूडर जो जेरार्ड को रिप्लाई देता है ना, उसको सुन के एक तो मैं बहुत फेमस डायलॉग बॉलीवुड की मूवी का याद आ जाएगा, जाने ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। इंट्रूडर ने जेरार्ड को बोला कि ये जो गन दिख रही है ना, ये टॉय गन नहीं है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, अभी अगर मैंने एक बटन दबाया ना तो मतलब खोपड़ा निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसा उसने बोला नहीं, ऐसा वो बोलना चाहता था। जेरार्ड बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, हाँ मेरे पास है एक कार, वो गैराज में रखी है। इंट्रूडर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, अच्छा बताओ यहाँ लोग आते रहते हैं, कौन कौन आते हैं? वो बोलता है, बहुत कम, वेरी रेयरली, कोई ज्यादा लोग मुझसे मिलने नहीं आते, एक ग्रीन ग्रॉसर आता है, एक बेकर आता है और एक मिल्कमैन आता है। मिल्कमैन ना बड़ा चार्मिंग है, पर यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों की बातें तो बहुत ही लंबी चलती जाती है, इतनी पंचायती कर रहे हैं, लेडीज उन भी क्या करती होंगी। अब इसके आगे की बातें ना अपन सेकेंड पार्ट में करेंगे, और उसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।